भाई यहाँ पे लगी हुई है बड़ी बड़ी स्क्रीन। तो आज नेवी डे था यार, तो ये लाइव चल रहा है मुझे लगता है। ये इनको बोल रहे हैं भाई बैठो मातिस के ऊपर, दीवार के ऊपर। तो बैठने के लिए मना कर रहे हैं यार, दीवार के ऊपर नहीं बैठने देते हैं इधर। ये टिकट है ऐसे तो 900 रुपए की। तो ये हमारा फ्रेंड बन चुका है, तो इसने हमें टिकट दी है 500 रुपए की, क्योंकि मैं 50 के दिन 500 रुपए से है। तो आई मेक ए वीडियो फॉर यू, तो इसने मुझे टिकट 500 की दी है भाई। तो अभी हम जाके बैठेंगे, फिर देखते हैं, घुमाते हैं यार। थोड़ा सा मैं वेट कर रहा था अंधेरा हो जाए, थोड़ी वीडियो अच्छी बनेगी, लाइटिंग वगैरह की हो जाएगी। तो अभी वेट कर लीजिए, लास्ट है। उसके बाद अगर हम लेते हैं तो वो आएगी आपको 1000 रूबल की। तो ये लास्ट वाली है, तो हमें जो 900 की है वो 500 की मिल गई है यार। तो भाई हम पहुंच चुके हैं यार, ये इनकी जो कश्ती है इसको क्या बोलते हैं यार, बोट बोलते हैं, घुमाते हैं ये। तो अभी घूमेंगे हम, तो अच्छा है ना यार, हमें टिकट मिल गई सस्ती। वो कल से मैं उसका एक इंग्लिश में थोड़ी बहुत जानता था, तो वो जैसे एक फ्रेंडली बन गया था एक हिसाब से। तो बोलता कोई बात नहीं यार, आप वैसे 900 रुपये की है, आप 500 दे दो। तो ये लास्ट है बोर्ड, इसके बाद ये महंगी हो जाती है टिकट। तो मैं ट्राई, हेलो फ्रेंड्स, ये अंकल है स्टीवन। हेलो स्टीवन, ये हमारे फ्रेंड है जो 97 में ये गए हुए थे, मुंबई घूम के आए थे। तो यू लाइक इट मुंबई है? ओके, नाइस नाइस, वेरी नाइस। ओके, तो ये भाई 97 में गए थे, तो बोलते हमें बहुत अच्छा लगा यार वहाँ पे इंडिया में जाके। तो अभी मिले थे मुझे देख के, सॉरी इंडिया गेट। हाँ ओके, वही ये इंडिया गेट में भी गए थे हैं। ओके, इंडिया गेट में भी गए थे ये, तो उन्होंने मुंबई घूम के देखा है भाई। तो देखो जब इंडियन कहीं बाहर आता है तो उसको पहचान लेते हैं, तो अगर जो आदमी घूम के आया तो वो आपसे बहुत रिस्पेक्टली बात करता है। तो अंकल हमें मिले, तो मैंने बोला मैं आपकी वीडियो शूट करना चाहता हूँ अगर आप इंडिया गए थे तो। बोलते जरूर, माई नेम इज रंजीत चौहान। रंजीत चौहान, थैंक यू सो मच, थैंक यू। स्टार्ट हो चुकी है भाई, चल तो बढ़िया, ये चली है 10 बजने में, 5 मिनट बाकी है। तो 11 बजे जो दूसरा टूर शुरू होने वाला है ना भाई, वो एक्सपेंसिव है थोड़ा सा, वो लगा के चलो आपको 1000 रुपये की मिलेगी रूबल की। तो जब अगर आपने कभी ये इसमें ट्रैवल करना भी हो ना कश्ती में, तो जो एंड में होती है ना, जैसे ये 10 बजे की लास्ट थी, तो इसकी अच्छी प्राइस मिल गई मुझे 500 में, वैसे तो 900 की है, तो अच्छी प्राइस मिल गई है। थोड़ा सा अंधेरा भी हो रहा है अभी, प्रॉपर नहीं है लेकिन हो जाएगा एक घंटे तक, तो मेरी वीडियो वगैरह भी बन जाएगी आपके लिए। ये दूसरी भी आ रही है भाई पीछे, तो घूम रही है पीछे पीछे हमारे एक और। Она была устроена на месте главных речных ворот Петербурга между адмиралтейскими флигелями, когда все судостроительные работы были перенесены дальше на другую точку. Желтому флагштоком и большой арк. Обратите внимание, справа. Бесчисленных календарях и открытках.
Нужно сказать, что мосты на Неве разводят с очень серьезной целью. Для того, чтобы корабли могли проходить по реке и не задевали мостов. Конструкция каждого разводного моста уникальна. Местные жители каждый год внимательно следят за графиком разводки, так как оказаться отрезанным от дома на ночь, даже в исторической части города, неприятно. Прямо под флигелем Адмиралтейства, над пристанью на ночь, по количеству скульптур этих животных, их здесь насчитывается около сотни. Этих львов специально отливали для дворцовой пристани, завершавшей бульвар и набережную. Изначально здесь вместе с ними должны были стоять кони на множество колонн. Он был главным светским строением города. Особый статус был дополнительно закреплен нормой, гласящий, что в центре города дворец был построен еще Петром I при основании Петербурга. Но здание, которое мы видим сейчас, появилось впереди Ломео Растре. С места, где мы находимся, отлично видна стрелка Васильевского острова. Графическая лаконичность решения стрел явилась блестящим итогом многолетних поисков целого созвездия петербургских зодчиков. बहुत अच्छा व्यू आ रहा है यार यहाँ से भाई। यार घूमने का तो फायदा रात को ही है, जैसे कि अभी 10 बज चुके हैं पूरे, तो रात का ही फायदा यार देखने का। दिन में तो कोई इतना मजा नहीं आता है घूमने का भाई, लाइट वगैरह जलती है, थोड़ा बिल्डिंग अभी तक रोशनी है, लेकिन जो भी मेरे चेहरे पे रोशनी पड़ रही है ना, ये अभी सूरज है ना भाई, अभी छुप रहा है। जो सूरज है ना भाई अभी छुप रहा है, तो उसी की रोशनी मेरे चेहरे पे पड़ रही है। कोई लाइट नहीं है, कोई जलाई कुछ नहीं है भाई। ओके, व्यू तो आपके पीछे है यार, देख सकते हो। देखो वीडियो अच्छे लगे तो यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर करना मेरा भाई। यार आपके सपोर्ट, ये आप मेरे पीछे से देख सकते हो, चार लड़के हैं, जैसे एक बोर्ड हायर करके तो उसे में अपना एंजॉय वगैरह कर सकते हैं। советского летчика Чкалова. Кэсэ бай, энжой кар рэй ёг нэ яр видео дэкэ. Под Троицким. Батана зарур бай, ачи лаги кэ нэй. Испомнил он его